दोस्तों कल आप लोगों के बहुत ही आ, मतलब क्या ही बोलूँ यार कमेंट आए आ, वीडियो पर कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया और उसमें मुझे तरह तरह के सजेशंस मिलने लगे कि आपने ये थमने गलत लगाया है ये टाइटल गलत लिखा हुआ है आपने ये सावधान क्यों लिखा है आपने ये क्यों लिख दिया कि लोन ऐप्स आप कर सकेंगे वसूली तो मैंने वहाँ पर फर्जी लोन ऐप्स के बारे में लिखा था क्या बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि इसने पैसा खा लिया है और फर्जी लोन ऐप्स वाले नहीं कर सकते आपने पूरी वीडियो देखी ही नहीं आपने यूं ही कमेंट कर दिया मतलब मैं ये केवल उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने कमेंट किया बिना पूरी वीडियो देखे और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पहले आप बोलते थे कि लोन नहीं चुकाना है मैंने अपनी किसी भी वीडियो में कभी भी ये नहीं बोला है कि, कि किसी भी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है अगर मैंने बोला है तो मुझे वो प्रूफ दिखा दीजिए खैर आज मैं जिस विषय में बात करने वाला हूँ वो विषय है लोन एप्लीकेशन का एन एन पी ए होना क्या लोन ऐप्स भी एन पी ए करते हैं मतलब लोन ऐप्स भी तो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते हैं ना बैंक से या एन बी एफ सी से या कंपनी से तो क्या आप वो एन पी ए कर सकते हैं हमारे लोन अकाउंट के लिए तो इसी पर हम बात करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है उसको भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि की मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए तो कल बहुत ही प्यारे आपके बहुत ही प्यार भरे कमेंट्स भी आए थे और कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे कि आपने ये ऐसा थंबनेल क्यों लगा दिया आप बिक गए हो आपने लोन एप्लीकेशन वालों से पैसे खा लिए हैं मतलब कुछ भी यार कुछ भी कमेंट तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं क्या सच में लोन एप्लीकेशन एनपीए कर सकते हैं आपके लोन अकाउंट के लिए इसी पर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले समझिए एनपीए होता क्या है एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब हम कोई भी लोन लेते हैं और अगर हम उसकी ई या जो भी किस्त है वो तीन महीने तक नहीं चुकाते हैं मतलब किस्त के अलावा भी मैं आपको बता दूं हो सकता है आप पार्शियल पेमेंट करते हो हो सकता है आप पार्ट वाइज पेमेंट करते हो हो सकता है आप कुछ पेमेंट करते हो मतलब जैसे कि आपने बोल दिया हो या टाइम ले रखा हो उस लोन जो भी लोन बैंक है जो भी जिससे आपने लोन लिया है जो भी एन है वहाँ से आपने वो टाइम ले रखा हो कि भाई ठीक है मैं एक काम करता हूँ मेरे पास पूरा अमाउंट नहीं है ई का मैं एक काम करता हूँ आधी ई चुका देता हूँ ऐसा भी करते हैं ठीक है तो अगर नब्बे दिनों के अंदर लोन में कोई भी किसी भी प्रकार का अमाउंट प्राप्त नहीं होता है नाइन्टी डेज ठीक है हाँ नाइन्टी डेज तो नाइन्टी डेज तक अगर कोई भी अमाउंट प्राप्त नहीं होता है किसी भी लोन अकाउंट में तो वो लोन अकाउंट चला जाता है एनपीए कैटेगरी में अब लोन कितने कैटेगरी होती हैं लोन्स की वो मैं सब आपको बाद में किसी दिन एक विस्तार में वीडियो बना दूंगा लेकिन एनपीए के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं तो केवल एनपीए के बारे में ही बात करूंगा अब एनपीए होने पर होता क्या है देखिए अगर आपका लोन एनपीए हो जाता है समझिएगा मेरी बात एनपीए होने से पहले भी आपके पास जो भी लोन एप्लीकेशन होती है या जो भी एनबीएफसी कंपनी होती है या जो भी बैंक होती है वो आपके पास रिकवरी के लिए एक नोटिस भेजते हैं एक या दो जितने भी उनकी एक प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग वो नोटिस को भेजते हैं अब सवाल आता है कि नोटिस भेजने के बाद क्या करते हैं नोटिस भेजने के बाद वो वेट करते हैं कि आगे देखिए कस्टमर पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है कॉल्स तो आपके पास आना स्टार्ट हो ही जाती है मतलब जो है डिप्रेसड आप हो ही जाते हैं क्योंकि आपके पास दिन रात दिन रात मतलब शाम को भी कॉल आती है कभी कभी आपके पास सुबह भी कॉल आती है और मतलब किसी भी समय आपके पास कॉल आ जाती है और आपसे बोला जाता है कि आप अपना पेमेंट जो है वो पे कीजिए मतलब आप अपना लोन जो है वो चुकाइए ठीक है अब आप नहीं चुकाते नहीं चुकाते हैं आप नाइन्टी डेज हो जाते हैं आपने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया मान लीजिए महीने भी आपने कुछ नहीं चुकाया सेकेंड महीने भी आपने कुछ नहीं चुकाया थर्ड मंथ भी आपने कुछ नहीं चुकाया अब हो गए नाइन्टी डेज नाइन्टी डेज के बाद वो लोन रिपोर्ट करना होता है एनबीएफसी कंपनी को या बैंक को आरबीआई के लिए ठीक है यहां तक आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी वो लोन रिपोर्ट करना पड़ता है बैंक को या एनबीएफसी कंपनी को आरबीआई के लिए अब जब आरबीआई को रिपोर्ट किया जाता है तो वो रिपोर्ट क्या किया जाता है कि हमारा इत, ये जो लोन है ये एनपीए हो रहा है ठीक है और इसके साथ साथ सिविल ब्यूरो को भी रिपोर्टिंग की जाती है जब लोन एन की कैटेगरी में जाता है तो सिविल भी आपका हैम्पर हो जाता है और आपका लोन जो है वो एन हो जाता है और फिर आपसे फर्दर वसूली की कार्रवाइयाँ स्टार्ट होती हैं अब कार्रवाई क्या होती है देखिए कल की वीडियो में भी मैंने ये बात आपको बता दी थी लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ आपके लिए जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं जो आप लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं उनमें से ज़्यादातर लोन पर्सनल लोन ही होते हैं ठीक है मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो वो ज़्यादातर पर्सनल लोन ही होते हैं और इसके अलावा कंज्यूमर लोन भी होते हैं अब लोन एप्लीकेशन जो लोन प्रोवाइड कराते हैं अब पर्सनल लोन में आप जानते हैं पर्सनल लोन में कोई भी एसेट किसी भी एनबीएफसी या किसी भी बैंक के पास नहीं रखा होता है मान लीजिए लोन एप्लीकेशन किसी रजिस्टर्ड बैंक या किसी रजिस्टर्ड एन का जो लोन एप्लीकेशन है या किसी रजिस्टर्ड कंपनी का एन एप्लीकेशन है तो उसके पास भी आपका कोई एसेट नहीं होता पर्सनल लोन में अब पर्सनल लोन से फिर वो रिकवरी करें कैसे ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई नियम नहीं है रिकवरी के लिए भी नियम है उसको मैं आगे वीडियो बनाकर बता दूंगा आपके लिए लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल लोन अगर आपका डिफॉल्ट होता है तब आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है लीगल नोटिस के बाद लीगल प्रोसीडिंग्स की जाती हैं कोर्ट में भी आपको बुलाया जा सकता है हालांकि मैंने तीन चार हजार पाँच हजार रुपए के लोन के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं देखी है अभी तक अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हो इससे ऊपर के लोन पर तो मैंने देखी है दस हजार के लोन पर भी देखी है आठ सौ रुपए के लोन बो सॉरी आठ हजार रुपये के लोन पर भी देखी है तो यहां तक तो मैंने देखी कोर्ट प्रोसीडिंग्स लेकिन मैंने ये तीन चार पाँच हजार रुपए के लोन पर कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं देखी हैं फिर से मैं आपको बता दूं अगर कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी तो आपका सिविल स्कोर तो खराब हो ही रहा है ठीक है आपको भविष्य में भी लोन नहीं मिलेगा और अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी तो भी आपको परेशानी होगी कोर्ट के चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे हो सकता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों अब सवाल आता है क्या फर्जी लोन एप्लीकेशन भी लोन एनपीए कर पाते हैं नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं, उनका कहीं रिपोर्टिंग होता ही नहीं है ना तो आर के पास उनका कोई रिपोर्ट होता है ना क्रेडिट ब्यूरो में उनका कोई रिकॉर्ड होता है ठीक है खैर जो भी है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा मैंने अभी तक अपनी किसी भी वीडियो में ये बात नहीं बोली है कि आप किसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लोन मत चुकाइए अगर बोली है तो उस वीडियो का लिंक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको समझ आ गया है एन क्या होता है और एनपीए के बाद वसूली की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं अगर आपका मान लीजिए होम लोन होता है कोई या कार लोन होता है या किसी भी प्रकार का ऐसा लोन होता है जिसमें आपके पास एसेट होता है तो बैंक उस एसेट को बेचकर अपना लोन रिकवर कर सकती है चाहे वो आपका होम लोन हो या वो आपका मतलब कोई ऐसा लोन हो जो सिक्योर लोन हो क्योंकि अनसिक्योर लोन होते हैं पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह अनसिक्योर लोन होते हैं तो बैंक के पास बहुत ज़्यादा रिकवरी के जो मतलब उसको बोल सकते हैं प्रोसीजर्स नहीं हो पाते हैं ठीक है या बैंक या एनबीएफसी जो भी है तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अगर आप वीडियो के बारे में आपकी अभी भी कोई राय है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को आपने हो सकता है सब्सक्राइब किया हो, हो सकता है ना भी किया हो तो उसको करके जाइएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं पर्सनली तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है यहां पर मुझे फॉलो कीजिए डीएम के माध्यम से अपने सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं मिलता हूं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम